खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी से। धमतरी के सीता नदी वन परिक्षेत्र में 7 नवंबर को पोटाश बम की चपेट में आने से एक हाथी का शावक बुरी तरह से घायल हो गया था। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची थी। थर्मल ड्रोन कैमरा, डॉग स्क्वायर, डॉक्टर की टीम के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया जो असफल हो गया था। इसके बाद 20 दिन के बाद टीम एक बार फिर से जंगल में पहुंची। शावक को ट्रैंकुलाइज करने के बाद घायल हाथी का इलाज इस वक्त किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि हाथी की सतत निगरानी की जा रही है, मॉनिटरिंग की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो उसे बेहतर इलाज के लिए रायपुर के जंगल सफारी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रीटमेंट की शुरुआत कर दी गई है। ट्रैंकुलाइज करके हाथी के इस नन्हे शावक का इलाज किया जा रहा है। पोटाश बम की चपेट में आने से हाथी का सूंड बुरी तरह से घायल हो गया था और फिलहाल उसे ट्रैंकुलाइज कर उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रायपुर के जंगल सफारी में इलाज के लिए आगे के ट्रीटमेंट के लिए इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इलाज दिया था, ग्लूकोज की बोतलें जो है चढ़ाई थी, कुछ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर भी जो है उसको डाल से दिए गए थे डॉक्टर के द्वारा। और अभी जो है कोशिश यही जारी है कि अभी निरंतर हम उसकी निगरानी कर रहे हैं, 2-3 दिन निगरानी की जाएगी। अगर कुछ भी स्ट्रेस का भी कुछ और रहेगा, अगर जो बहुत बेहद गंभीर रहेगा तो फिर उसको जंगल सफारी इलाज के लिए शिफ्ट किया जाएगा।